हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट एचडी 2021 के कुछ बेस्ट हिडन फीचरों के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो गाइस वीडियो में बस सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर भी ये टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो हम जान लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर जो सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक है, उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आपके नीचे के लिए स्वैप डाउन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे नीचे के लिए स्वैप डाउन करेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहला फीचर देखने को मिल जाता है, आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट रियल फ्लैश लाइट होती है फ्रंट एंड बैक की। आपके किसी फ़ोन के अंदर फ्लैश लाइट दोनों एक साथ नहीं जलती, लेकिन इस फ़ोन के अंदर दोनों फ्लैश लाइट एक साथ जलती हैं। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। यहाँ से फ्लैश लाइट पर आप लॉन्ग प्रेस रखना है और 360 डिग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारी बैक फ्रंट लाइट और बैक फ्रंट लाइट दोनों जल रही हैं, हमारी फ्रंट लाइट और बैक लाइट दोनों जल रही हैं। एक बार टच करेंगे तो आपकी केवल बैक की जलेगी। जब आप इस पर लॉन्ग प्रेस रखेंगे तब आपके फ़ोन के अंदर दोनों फ्लैश लाइट आपकी ऑन हो जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर दोनों फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर दोनों फ्लैश लाइट एक साथ जला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके दूसरे अमेजिंग फीचर की। दूसरा अमेजिंग फीचर यह है, आपके फ़ोन के अंदर हॉटस्पॉट होता है और वाईफाई होती है, लेकिन जब आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप दोनों को एक साथ इनेबल कर सकते हैं। आप किसी फ़ोन के अंदर दोनों को एक साथ इनेबल नहीं कर सकते। तो अब देखें, हम वाईफाई ऑन कर दिए हमने अपनी और हॉटस्पॉट अपना ऑन कर दिया, दोनों चीज़ हमारी ऑन है। अगर आपके पास फ़ोन हो तो आप उसमें ज़रूर से चेकआउट करें। अगर आपके पास टेक्नो का फ़ोन है तो आप उसमें चेक करें। अगर उसके अलावा और कोई से दूसरा फ़ोन है तो आपको उसके अंदर ये दोनों चीज़ एक साथ ओपन नहीं हो सकती। आपके पास है तो आप करके ज़रूर देखें। यहाँ से मैंने ऑफ़ कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका और एक अमेजिंग फीचर है, वो भी आपको यहीं देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से आप इसको स्वाइप करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्हाट्सअप मोड। इसे आप यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से आपका व्हाट्सअप मोड इनेबल हो जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप पर जो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल है या फिर वॉइस कॉल है आपकी दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इस फ़ोन के अंदर। आप किसी फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप की वीडियो कॉल और वॉइस कॉल कोई सी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आप अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ इसके और हिडन फीचरों के बारे में। तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाएंगे सेटिंग में। तो जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्मार्ट असिस्टेंट, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है स्मार्ट पैनल, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से इसे ऑन कर देंगे, इसे आप जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर स्मार्ट पैनल ओपन हो जाता है। इस प्रकार से आप इधर को स्वाइप करेंगे तब आपके फ़ोन के अंदर स्मार्ट पैनल आ जाता है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ से आप स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। अब यहाँ से बैक जाएंगे आप होम स्क्रीन पर, तब आएगा वो अभी। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है माइक्रो इंटेलिजेंस, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कुछ अमेजिंग फीचर देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे टैप बेक, टैपिंग बेकिंग। इससे क्या होता है, जैसे ही आपका फ़ोन रखा है कहीं, डबल टैप करेंगे अपनी स्क्रीन पर तो आपके फ़ोन की लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, और फिर डबल टैप करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है। वहीं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है म्यूजिक ऑफ जेस्चर, इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अपनी फिंगर से आप अपनी म्यूजिक को कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट, इसे इनेबल करने से क्या होता है, इसे इनेबल कर देंगे। जैसे आपके फोन के पास अगर आपकी कोई कॉल आ रही है और आपकी कोई इंटरेक्शन दे रहा है, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तब आपकी जो कॉल आ रही है वो साइलेंट हो जाएगा, आपका फ़ोन हो जाएगा म्यूट पे। यहाँ से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन रख भी सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर ये है थ्री फिंगर स्क्रीन डाउन, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन करेंगे तब आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला फीचर है स्मार्ट स्क्रीन ऑन, यहाँ से क्या है आपकी स्मार्ट स्क्रीन ऑन हो जाती है। वहीं ऑप्शन मिल जाता है आंसर कॉल विद ए जेस्चर, इसे इनेबल कर लेते हैं, आपकी कॉल जेस्चर के साथ इनेबल हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर ये टिप्स एंड ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।